नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी न्यूज़। ग्लोबल न्यूज़ के इस सेगमेंट में आज के समाचार इस प्रकार हैं कि हिजाब विरोधी आंदोलन जो ईरान में चल रहे हैं, इसमें ईरान ने कराटे चैंपियन और कोच को फांसी पर लटका दिया है। अब तक 4 को फांसी हो चुकी है, कुल 40 को सजाए मौत का ऐलान किया गया है और 26 के नाम सामने आए हैं। ईरान में हिजाब के विरोध में करीब 4 महीने से चल रहे आंदोलन को बलपूर्वक कुचलने का सिलसिला अब भी जारी है। ऐसे ही प्रदर्शनों में शामिल होने के आरोप में शनिवार को पूर्व राष्ट्रीय कराटे चैंपियन मोहम्मद मेहदी कारामी और बच्चों के कराटे को सैयद मोहम्मद हुसैनी को फांसी पर लटका दिया गया है। ईरान के न्याय विभाग की समाचार एजेंसी मिजान के मुताबिक करामी और हुसैनी को 3 नवंबर को पैरामिलिट्री अधिकारी रोहल्ला अजामियान की हत्या का दोषी पाया गया है। हिजाब विरोधी प्रदर्शनों से जुड़े मामले में अब तक कुल 4 लोगों को फांसी पर लटका दिया गया है। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक प्रदर्शन से जुड़े 41 से ज़्यादा प्रदर्शनकारियों को फांसी की सज़ा सुनाई गई है। वहीं एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि फांसी पर लटकाए गए 4 प्रदर्शनकारियों सहित कुल 26 प्रदर्शनकारियों के नाम अब तक सामने आ चुके हैं जिन्हें फांसी की सज़ा दी गई है। इनमें से 3 और को जल्द ही फांसी पर लटकाया जा सकता है। दुनिया भर में इसके खिलाफ आवाज़ उठ रही है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त सहित तमाम मानवाधिकार संगठनों का दावा है कि ईरान में निष्पक्ष सुनवाई और बचाव का पर्याप्त मौका दिए बिना ही प्रदर्शनकारियों को मनमाने तरीके से फांसी की सज़ा दी जा रही है। दोनों प्रदर्शनकारियों को फांसी की सज़ा देने के खिलाफ यूरोपीय संघ की विदेश मामलात व सुरक्षा समिति के प्रमुख जोसेफ बोरल ने ईरान में फांसी की सज़ा की आलोचना की है। ईरान के लिए अमेरिका का विशेष प्रतिनिधि रॉबर्ट मॉले ने इन्हें न्यायिक हत्या करार दिया है। ब्रिटिश विदेश मंत्री जेम्स क्लुवेरली ने कहा, इस क्रूरता को तुरंत रोका जाना चाहिए। फ्रांस के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि ईरानी सरकार बहुत ही घिनौनी तरीके से अपने उन लोगों की हत्याएं कर रही है जो वाजिब हक मांग रहे हैं। अगली खबर है घुसपैठ पर नकेल कसने के लिए भारत ने पहली बार पाक सीमा पर तैनात किए हैं रडार लगे ड्रोन। सीमा सुरक्षा बल BSF ने पाकिस्तान से लगती सीमा पर भूमिगत सुरंगों का पता लगाने के लिए पहली बार रडार लगे ड्रोन तैनात किए हैं। जम्मू क्षेत्र में भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा IB पर आतंकवादी इन सुरंगों का इस्तेमाल घुसपैठ, हथियार तथा नशीले पदार्थों की तस्करी में करते हैं। अधिकारियों ने बताया है कि BSF ने भूमिगत सुरंगों का पता लगाने के अभियान के तहत हाल ही में इस मोर्चे पर स्वदेश निर्मित तकनीकी गैजेट का इस्तेमाल किया है। इसके इस्तेमाल से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई भी आतंकवादी इन सुरंगों के जरिए भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ न करने पाए और जम्मू कश्मीर समेत देश के किसी भी अन्य स्थान पर हमला न कर सके। इन सुरंगों का इस्तेमाल नशीले पदार्थों, हथियारों और गोला बारूद की तस्करी के लिए भी किया जा रहा है। BSF ने पिछले 3 साल में जम्मू क्षेत्र में भारत पाकिस्तान IB के लगभग 192 किलोमीटर में कम से कम 5 भूमिगत सुरंगों का पता लगाया है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार 2020 और 2021 में 2-2 सीमा पार सुरंगों का जबकि पिछले साल 1 सुरंग का पता लगाया है। ये सभी सुरंगें जम्मू के इंद्रेश्वर नगर सेक्टर में पाए गए हैं। अगली खबर उत्तराखंड के जोशीमठ से। चौतरफा हमलों से घिरा NTPC का 520 मेगावाट का तपोवन विष्णुगाड़ पनबिजली प्रोजेक्ट संकट में फंस सकता है। जोशीमठ में भू दशाओं का आकलन करने सोमवार को यहां आ रही केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय की हाई पावर एक्सपर्ट कमेटी नए सिरे से पड़ताल करेगी। उसके एजेंडे में NTPC के इस प्रोजेक्ट का अध्ययन भी है। जोशीमठ के स्थानीय लोगों ने NTPC के खिलाफ पहले से जंग छेड़ रखी है। रुड़की के राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान NIH के वैज्ञानिक टनल और जोशीमठ के रिसाव के पानी के नमूनों की जांच कर रहे हैं। दरअसल NTPC यहां तपोवन से लेकर विष्णुगढ़ तक 12 किलोमीटर लंबी टनल बना रहा है। तपोवन एक सिरा है और विष्णुगढ़ दूसरा सिरा। बीच में ऊंची पहाड़ी के ढलान पर जोशीमठ बसा है। NTPC की योजना तपोवन में बह रही सहायक नदी धोली गंगा के पानी से बिजली बनाने, ये पानी तपोवन से टनल के जरिए NTPC के पावर हाउस सेलंग तक आएगा। बिजली बनाने के बाद इस पानी को विष्णुगाड़ स्ट्रीम के रास्ते अलकनंदा नदी में छोड़ दिया जाएगा। 1976 में मिश्रा कमेटी कह चुकी है कि जोशीमठ इन सीटू चट्टान पर नहीं बल्कि भूस्खलन के मलबे से बनी चट्टान पर बसा है। इन सीटू रॉक को काटकर बन रही है ये सुरंग। NTPC की टनल वैज्ञानिक भाषा में इन सीटू रॉक को काटकर बनाई जा रही है। इन सीटू रॉक उस चट्टान को कहा जाता है जो सदियों से यथावत यह भूस्खलन के मलबे यानी पत्थरों,
चट्टानों या मिट्टी से बना कोई पहाड़ नहीं जैसा कि जोशीमठ है। 2 साल से टनल में फंसी है टनल बोरिंग मशीन। 8 किलोमीटर तपोवन की ओर से सुरंग खोदी जा चुकी है। 2021 में प्रोजेक्ट का एक हिस्सा आ गया था आपदा की चपेट में। इसमें NTPC का तर्क यह है कि NTPC ने नक्शा जारी कर समझाने की कोशिश की है कि ऐसा संभव ही नहीं है, क्योंकि ये टनल जोशीमठ से बहुत दूर बन रही है। शहर की सबसे करीबी सीमा से भी नापे तो टनल शहर से कोई 1 किलोमीटर दूर पर है। जोशीमठ शहर का आधा हिस्सा भू धसाव की चपेट में है और ये प्रभावित हिस्सा तो टनल से और 2-2.5 किलोमीटर दूर पड़ता है। इतनी दूर किसी टनल का दुष्प्रभाव पड़ना वैज्ञानिक नहीं है। उनका दूसरा तर्क है कि टनल को बनाने के साथ ही उससे मजबूत कंक्रीट से सुरक्षित किया जाता है ताकि एक बूंद पानी लीक न हो। टनल में जो मशीन है उस पे विस्फोट का भी आरोप है। इन सीटू रॉक को काटने के लिए NTPC को जर्मनी से करोड़ों रुपए की टनल बोरिंग मशीन मंगानी पड़ी। कहते हैं कि ये मशीन 2 साल से बीच टनल में फंसी है क्योंकि ये मशीन पीछे नहीं हट सकी। इस TVM जिसे बोरिंग मशीन कहा जाता है को फिर से आगे बढ़ाने के लिए NTPC एक दूसरी मैनुअल टनल बना रहा है। NTPC ने 2012 में पावर हाउस बना लिया और 2015 में पानी रोकने के लिए बैराज, पर टनल अब तक मुकम्मल नहीं हो पाई है। प्रोजेक्ट के इसी मुश्किल को देखते हुए स्थानीय लोग आरोप लगा रहे हैं कि NTPC सुरंग के लिए अब विस्फोटकों का इस्तेमाल कर रहा है। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। 1 फरवरी को दिखेगा दुर्लभ नजारा, पृथ्वी के नजदीक से गुजरेगा धूमकेतु। हाल ही में खोजा गया एक नया धूमकेतु पृथ्वी के करीब से गुजरने वाला है। इसे पिछले 50,000 वर्षों में नहीं देखा गया था, लेकिन 1 फरवरी की रात इसे आसानी से देखा जा सकेगा। इस दौरान आसमान में दिन की तरह तेज रोशनी होगी। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी NASA के अनुसार खगोलविदों ने C-2022E3 ZTF नामक इस धूमकेतु को पिछले साल मार्च में खोजा था। उस समय यह बृहस्पति की कक्षा में था और तब से इसकी चमक बढ़ गई थी। हमारे सौरमंडल के बाहर की यात्रा करने के बाद यह 12 जनवरी को सूर्य के सबसे करीब आएगा। खगोलविदों के मुताबिक इससे धरती पर किसी खतरे की आशंका नहीं है। यह हमारे ग्रह से 425 लाख किलोमीटर की दूरी से निकल जाएगा। ज्विकी के कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में भौतिकी के प्रोफेसर थॉमस प्रिंस ने कहा है कि यह धूमकेतु पृथ्वी के सबसे करीब होने पर सबसे चमकीला होगा। पेरिस ऑब्जर्वेटरी के एक खगोल वैज्ञानिक निकोलस बीवर ने कहा है कि बर्फ व धूल से बने और एक हरे रंग की रोशनी का उत्सर्जन करने वाले इस धूमकेतु का व्यास लगभग 1 किलोमीटर होने वाला है। 2020 में देखा गया था नियोवाइस धूमकेतु। C-2022E3 धूमकेतु नियोवाइस की तुलना में काफी छोटा है। नियोवाइस ऐसा आखिरी धूमकेतु था जिसे बिना किसी सहायता के देखा गया था। यह धूमकेतु मार्च 2020 में पृथ्वी के पास से गुजरा था। उससे पहले हेल्प बॉप 1997 में पृथ्वी के पास से गुजरा था। इसका संभावित व्यास करीब 60 किलोमीटर का था। सूरज का चक्कर लगाते हैं धूमकेतु। धूमकेतु जमे हुए गैसों, चट्टानों और धूल से बने कॉस्मिक स्नोबॉल है जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ये आकाशीय पिंड जमे हुए होने के कारण आकार में छोटे होते हैं, लेकिन सूरज के करीब पहुंचने पर गर्म हो जाते हैं। इसके बाद अपने पीछे गैस तथा धूल का एक बड़ा चमकदार गुबार छोड़ते जाते हैं जो अधिकांश ग्रहों से बड़ा होता है। अगली खबर है, भारत में आयोजित होगा वैश्विक दक्षिण शिखर सम्मेलन। भारत 12 और 13 जनवरी को वैश्विक दक्षिण की आवाज शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। वर्चुअली आयोजित होने वाले इस सम्मेलन में वैश्विक दक्षिण सहित विकासशील देशों को अपने मुद्दों, चिंताओं और प्राथमिकताओं को रखने का मौका मिलेगा। इसमें हिस्सा लेने के लिए 120 देशों को आमंत्रित किया गया है। इस सम्मेलन का मुख्य विषय यूनिटी ऑफ वॉइस, यूनिटी ऑफ पर्पस है। उधर सम्मेलन में शामिल होने को लेकर पूछे गए सवाल पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने कहा है कि इस जो मुद्दे उठाए गए हैं उन्हें लेकर संयुक्त राष्ट्र प्रमुख पहले से ही काफी मुखर रहे हैं। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट।